हेलो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एक बहुत ही तगड़ी और न्यू अपडेट लाया हूँ मैं 2021 की इस वीडियो में। अगर आपको मैं एक सवाल पूछूँ कि आप अपने आधार कार्ड से कितने सिम आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो एक आधार कार्ड से, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पता है आप यही बोलोगे कि आप 9 सिम मैक्सिमम खरीद सकते हो अपने एक आधार कार्ड से। बट आपका आंसर रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि 2021 की नई अपडेट आ चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक आधार कार्ड से कितने सिम आप परचेस कर सकोगे मैक्सिमम। एक नई अपडेट लाया हूँ आज की वीडियो में मैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि इस जैसी मैं नई नई अपडेट लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी इंस्टेंटली। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोवाइल चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू आरजे टेक्नोवर्ल्ड दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक आधार कार्ड पे आप कितने सिम ले सकोगे 2021 की गाइडलाइन के अनुसार। 3-4 साल पहले जब जियो नया नया आया था, लॉन्च हो चुका था, तब एक आधार कार्ड पर 4-4, 5-5, 6-6 सिम लिए जाते थे, तो बहुत सारे फेक आईडी पे सिम कार्ड इशू हो रहे थे। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाए। भारत की एक टेलीकॉम पे नजर रखने वाली संस्था है जिसका नाम है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने 3-4 साल पहले एक बिल पास किया था जिसमें यह लिखा था कि एक आधार कार्ड पे सिर्फ आप 9 सिम से ज़्यादा खरीद नहीं कर पाओगे। मतलब एक आधार आईडी से आप सिर्फ 9 सिम कार्ड खरीद सकोगे, उसमें से एक ऑपरेटर की 6 और दूसरे ऑपरेटर की 3। समझ लो आपने जियो की सिम खरीद ली है, मतलब आप एक ऑपरेटर की, मतलब आप जियो की 6 सिम कार्ड खरीद सकोगे और 3 जो रहती है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, जो भी आप लेना चाहे उस तरह से 3 आप ले सकते हो सिम कार्ड। ये गाइडलाइन थी 2-3 साल पहले ट्राई की, बट न्यू अपडेट आया है अभी 2021 से। तो दोस्तों, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दी है मैंने, बहुत सारी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है उनकी, और यहाँ पे मैंने आई बटन पे भी लिंक रख दी है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, मेरी अच्छी वाली वीडियोस है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ट्राई का न्यू गाइडलाइन पास हुआ है। ट्राई के नए नियमों के मुताबिक आप एक आधार कार्ड से 18 सिम कार्ड उठा सकते हो, ले सकते हो, मतलब आप एक आधार कार्ड से 18 सिम कार्ड खरीद पाओगे। अगर आपने एक आधार कार्ड से 18 से ज़्यादा सिम कार्ड इशू किए या खरीद लिए, तो आपका जो 19वां सिम होगा वो एक्टिविटी नहीं होगा। उसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपका सिम अगर बंद पड़ता है या मोबाइल चोरी जाता है, तो वो इन 18 में काउंट नहीं होगा। मतलब जो सिम कार्ड एक्टिवेट है वही सिम कार्ड 18 गिने जाएंगे। ये बहुत खुशी वाली बात है जो टेलीकॉम यूज़र है उनके लिए। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्राई क्या है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ट्राई एक भारत की संस्था है जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो संस्था है, ये देश में मौजूद जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, टेलीकॉम कंपनी है, उनकी देखरेख का काम करती है, उन पे नज़र रखने का काम ये करती है। ये संस्था भारत सरकार ने ग्राहकों के सुविधा के लिए बनाई गई थी। मतलब जो टेलीकॉम कंपनियां रहती है वो अपनी मनमानी ना करे ग्राहकों के साथ, इसीलिए उन पे नज़र रखने का काम यह संस्था करती, इसीलिए इसको बनाया गया था। ये ट्राई ने जो निर्णय लिया है 9 सिम का, एक आधार पे जो 9 सिम मिलते थे हमें, ये 18 कर दिया है, मतलब दुगना कर दिया है। ये ग्राहकों के लिए सुविधा की बात है और बहुत खुशी की बात है। अब आप एक आधार कार्ड पर 18 सिम कार्ड ले पाओगे बड़े आसानी से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।